हिमाचल एकता मंच द्वारा शाने हमीरपुर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको इसके आयोजन के लिए हिमाचल एकता मंच के पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि जो श्रेष्ठ कार्य समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों लोगों को प्रोत्साहित करने का इन्होंने शुरू किया है, ये इसको जारी रखेंगे, क्योंकि यही वो प्रयास हैं जो समाज में सामाजिक समरसता लाते हैं, यही वो प्रयास हैं जो समाज के अंदर कुरीतियों पर आघात करने के लिए निर्णायक सिद्ध होते हैं। आज यदि ये भ्रूण हत्या के खिलाफ अलख जगाने की बात हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने की बात हो, या फिर नशे के खिलाफ श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने की बात हो, मैं बधाई देता हूँ हिमाचल एकता मंच को और आशा व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह के प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि यही वो प्रयास हैं जो समाज के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को हतोत्साहित करते हैं। आज बहुत चुनौतियां समाज के अंदर हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में हमारे युवाओं को बरगलाने के लिए, हमारे युवाओं को भटकाने के लिए बहुत भ्रामक बड़े स्तर पर प्रयास समाज विरोधी ताकतें कर रही हैं। उन विरोधी ताकतों को हतोत्साहित करने के लिए और अपनी युवा शक्ति को बचाने के लिए इसी तरह की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका उनकी आवश्यकता है, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में काम कर रही हैं, संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही हैं या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और इस तरह की संस्थाओं को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए।